शहर के चर्चित व्यापारी सुनील जायसवाल और उनकी पत्नी कामिनी व उनके पुत्र ऋतिक जायसवाल की हुई हत्या के पुलिस द्वारा किए गए खुलासे पर सवाल या निशान लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद राज बब्बर ने कहा कि इस घटना की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, साथ ही दोनों बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पूरी तरह से हम इसको दिल्ली में भी लिखेंगे, प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखेंगे, हम सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज और इन लड़कियों की जो सुरक्षा है वो सिर्फ पुलिस की मार्फत ही नहीं बल्कि इसको कोर्ट के मार्फत कि कोई भी किसी भी तरह का इनके ऊपर दावा ना करे। तिहरे हत्याकांड के बाद बेबसी की जिंदगी गुजार रही दोनों बेटियों के दर्द को सुनकर सांसद राज बब्बर भावुक हो गए। सुनील जायसवाल की बेटी ने बताया कि उनके ऊपर बैंक का लाखों रुपयों का ऋण है, साथ ही प्रॉपर्टी पर भी कुछ लोगों की नजरें गड़ी हुई है। बेटियों ने राज बब्बर को बताया कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर भी समस्या लिखी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर सांसद राज बब्बर ने दोनों बेटियों को धाड़स बंधाते हुए कहा कि वह गृह मंत्री, भारत सरकार व वित्त मंत्री को पत्र लिखेंगे, दोनों बहनों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर सब जनमानस के लोग भी, पत्रकार बंधु भी इस बात को कह रहे हैं और यहाँ परिवार के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस बैग के बारे में पुलिस कह रही है कि साहब हमने व्यक्ति पकड़ लिया है और ये बता रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति वही है जिसके हाथ में ये बैग था, ये बैग उससे बरामद किया गया है और उसी बैग के साथ में तस्वीर पहले जो है उसी दिन जो है जब एम्बुलेंस में इन शवों को डाला जा रहा था या इन हताशों को डाला जा रहा था उस वक्त भी बैग पुलिस वाले के हाथ में था। तो इसमें अपने आप जो है शक की धुरी जो है वो पुलिस के ऊपर लगती है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे जो एक शक की या एक की जो जांच की जो एक प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है ताकि कोई सबूत ना मिलने पर अपराधी छोड़ दिए जाएं और फिर ये बच्चियां जो हैं एक अनाथों की तरह एक सारी जिंदगी इनसिक्योरिटी में गुजर करें और कोई भी व्यक्ति आके इनके इनके इस जो भविष्य में जो इनके पास में जो कुछ भी है उसके ऊपर दावे करना शुरू कर दें।